हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल। थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आई डॉक्टर दिनेश जैन वेलकम्स यू ऑल इन द चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन डेली मॉर्निंग 8 AM। सो लेट्स स्टार्ट द स्कोपस इंडेक्स जर्नल दैट विल पब्लिश विद इन ए मंथ और लेस देन ए मंथ। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू ऑल द रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पब्लिश देयर मैन्युस्क्रिप्ट विद इन ए मंथ और लेस देन ए मंथ इन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। सो द फर्स्ट जर्नल नेम इज़ द वालाइक जर्नल, दैट इज़ द वालाइक जर्नल, साइंस जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी रिसर्चर्स हैं, दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट, देर इज़ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें। और एनुअली इसमें 12 इशू इसमें पब्लिश करता है ये जर्नल। बहुत अच्छा जर्नल से स्कोपस इंडेक्स जर्नल है और विद इन ए मंथ आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका SGR रैंकिंग इज़ द 0.154, दैट इज आल्सो गुड, एंड 12 इशू पर NM। नेक्स्ट वन द डिटेल इज द स्कोपस, यू कैन सी हियर द व्यू एडिटोरियल पॉलिसी ऑल द इंडेक्स। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द इंडेक्सिंग। सो दिस इज द इंडेक्स इन द स्कोपस इंडेक्स, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल। सो दैट इज द रेनाउंड जर्नल बिकॉज इट इज इंडेक्सड इन द स्कोपस, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सर्चिंग फॉर द इंडेक्स जर्नल इन द स्कोपस इंडेक्स और आइदर SCA इंडेक्स और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल। सो दिस इज द वेरी गुड जर्नल, यू कैन फाइंड आउट द ऑल द क्वेरीज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर जर्नल। सो यू कैन फाइंड आउट द फॉर ऑथर्स, तो ऑथर्स पर आप जाके सारी गाइडलाइन यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और देन यू हैव टू क्रिएट योर लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी नए न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू रिसर्चर्स हैं, उनको अपना यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, अपना अकाउंट आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, देन सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट एज पर द गिवन गाइडलाइन। सो दिस इज़ द बेस्ट जर्नल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, और विद इन ए मंथ आपका पेपर यहाँ से पब्लिश हो जाए। सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू दोज हुअर ईगर टू पब्लिश देयर रिसर्च पेपर विद इन ए मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल, वालाइक जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड वन इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल इज द पब्लिश्ड बाई द एल्सेवियर, दिस इज द स्पेशली डेडिकेटेड टू द सोशल साइंस रिसर्चर एंड सोशल साइंस फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट। सो द साइट स्कोर ऑफ द पर्टिकुलर जर्नल इज द 1.23, दिस इज द वेरी गुड जर्नल। एंड यू कैन फाइंड आउट द एम एन स्कोप इन द ऑथर्स गाइडलाइन, एंड यू कैन फाइंड आउट अबाउट द गाइडलाइन टू हाउ टू सबमिट द पेपर रिसर्च पेपर इन दिस जर्नल टू पब्लिश द पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट। सो आप यहाँ से सैम्पल इशू देख सकते हैं, इसका साइट स्कोर, जर्नल की रैंकिंग एंड इम्पैक्ट फैक्टर सब कुछ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इस एल्सेवियर पब्लिशर, दैट इज़ द वेरी रिनाउंड पब्लिशर, दैट इज़ द एजेंसी दैट इज़ द स्कोपस इंडेक्स एजेंसी दैट मेंटेन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। नेक्स्ट जर्नल इज़ द JESTEC, जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज आल्सो द वेब ऑफ साइंस जर्नल एंड आल्सो द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वेब ऑफ साइंस मीन्स यहाँ पर SCA इंडेक्स जर्नल है प्लस स्कोपस इंडेक्स जर्नल भी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जो भी है आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो रैंकिंग है यहाँ पर आप SGI 0.24 है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल है, एंड आल्सो द स्कोपस इंडेक्स, यू कैन सी दिस इज़ द राइट साइड। और 2010 से पब्लिश कर रहे हैं यहाँ पर, और जर्नल के रिगार्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो दिस इज़ द ESI इंडेक्स जर्नल एंड आल्सो द स्कोपस इंडेक्स जर्नल, एंड दैट मेंटेन द बाय द क्लेरिवेट एनालिटिक, दैट इज़ द एजेंसी दैट मेंटेन द SCI इंडेक्स जर्नल और ESCI इंडेक्स जर्नल। सो मोर डिटेल अबाउट द जर्नल एम एंड स्कोप, सो दिस इज़ द पीयर रिव्यूड जर्नल है, तो कोई इशू नहीं आपको, बहुत अच्छा जर्नल है, पीयर रिव्यूड है, और ये बाई मंथली मेंटेन द डबल ब्लाइंड एंड बहुत अच्छे जर्नल्स है। पब्लिश द 6 ईयर, तो 6 इशूज पर ईयर यहाँ पर करते हैं, तो बाई मंथली है। विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका पेपर SCA इंडेक्स जर्नल के अंदर और स्कोपस इंडेक्स जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाएगा। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल ऑफ यू, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और बहुत अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए कि ESCI जर्नल और स्कोपस इंडेक्स जर्नल विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो, दैट इज़ द वेरी गुड जर्नल टू ऑल ऑफ यू। सो आई रिकमेंड टू दिस जर्नल आल्सो। नेक्स्ट वन इज़ द UGC अप्रूव जर्नल एंड आल्सो द स्कोपस इंडेक्स जर्नल।
ट्रांसस्टेलर से बहुत अच्छा पब्लिशर से जो बहुत अच्छे रिनाउंड प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है और काफ़ी अच्छी जर्नल्स पब्लिश करता है और स्कोपस इंडेक्स भी एंड UGC अप्रूव्ड जर्नल भी है। तो जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं सभी लोग अगर अपना पेपर विद इन ए डेडलाइन कर सकते हैं तो अभी इसकी डेडलाइन है। अभी नया इशू इसके है, जुलाई एंड अगस्त में आने वाला है, पब्लिश होने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट है 19 जून, मीन्स टुडे इज़ द लास्ट डेट, बट यू कैन सबमिट इट बाई टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, सो दैट विल बी कंसिडरेबल इशू। यू कैन डायरेक्टली सबमिट ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आईडी, सो दिस इज़ द फैसिलिटी गिवन टू यू। आप इसमें डायरेक्टली एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स के डायरेक्ट मेल आईडी पर अपने मेल से पब्लिश आप अपने मेल शूट कर सकते हैं, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट डायरेक्टली भेज सकते हैं और बहुत जल्दी आपको यहाँ से पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो भी उनकी क्वेरी होगी वो आपके साथ वो कम्युनिकेट आपको विद इन ए 48 आवर्स आपको कम्युनिकेट कर देंगे। सो दे आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू दिस जर्नल। नेक्स्ट जर्नल इज़ द टेलीमेटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स जर्नल, सो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो टाइमिंग है फर्स्ट डिसीजन का, मीन्स आप सबमिशन से लेकर आपका फर्स्ट डिसीजन, मीन्स आपका एक्सेप्टेंस रिजेक्शन या माइनर चेंजेस जो भी कम्युनिकेशन रहेगा रिगार्डिंग द आपके मैन्यूस्क्रिप्ट और रिसर्च पेपर, तो वो आपके पास विद इन ए 2 वीक्स के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो आई होप एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन ए मंथ आपका स्कोपस इंडेक्स जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, इवन SSCI इंडेक्स जर्नल भी है, तो दैट इज़ द आल्सो द वेरी गुड साइन टू ऑल ऑफ यू कि आप विद इन ए मंथ अपना रिसर्च पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट SCI इंडेक्स और SSCI इंडेक्स के अंदर आप पब्लिश कर सकते। इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा 3.714 है एंड देन पब्लिशर इज़ द Elsevier, दैट इज़ द वेरी रिनाउंड पब्लिशर। इसका जो एम एंड स्केप है आप यहाँ देख सकते हैं, चेक कर सकते हो, और अगर आपका रिसर्च एरिया आपके इसके अंदर फिट करता है, सूटेबल हो, तो आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं इसके साथ। और पेपर पब्लिशिंग की जो गाइडलाइंस हैं आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जो ऑथर गाइड फॉर ऑथर्स लाइन जो इनकी गिवन गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना मैन्यूस्क्रिप्ट रिसर्च पेपर तैयार करना है। देन आफ्टर देन यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर। नेक्स्ट वन इज़ द डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज आल्सो द वेरी रिनाउंड जर्नल पब्लिश्ड बाय द Elsevier। साइट स्कोर इज द 2.88 और बहुत अच्छा इसका साइट स्कोर भी है और पब्लिशर Elsevier है। SGR रैंकिंग 0.51543 है, तो ये भी बहुत अच्छा जर्नल से आप एम एंड स्कोप में आप यहाँ देख सकते हैं। तो कोई डिजिटल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर हैं उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट अगर उनका रिसर्च एरिया इस पर्टिकुलर जोन में आता है, कैटेगरीज में आता है, तो अपना रिसर्च पेपर यहाँ पर बहुत इजीली और फास्टली आप पब्लिश कर सकते हैं विद इन ए मंथ। नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स, जिन जितने भी रिसर्चर हैं उनका एरिया अगर इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर फिट होता है, उनका एम एंड स्कोप ग्राफिक्स से रिलेटेड है, उनका एनिमेशन से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, वो विद इन ए 3 मंथ्स में आपका यहाँ पर डिसीजन आ जाएगा। बहुत फास्ट पब्लिकेशन जर्नल है, सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल एंड Elsevier पब्लिशर, दैट इज़ द वेरी रिनाउंड थिंग। नाउ वी कैन चेक दिस एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग, सो दिस इज़ द स्कोपस इंडेक्स जर्नल, यू कैन दिस दिस सी दिस, सो दिस इज़ द SCI इंडेक्स जर्नल, स्कोपस इंडेक्स जर्नल। नेक्स्ट वन इज़ द फजी सेट्स एंड सिस्टम, सो दिस इज़ द टाइटल फजी सेट्स एंड सिस्टम, दोज हु आर कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एरिया AI मशीन लर्निंग एंड फजी सेट थ्योरी, तो वो अपने रिसर्च पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट को इस पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा है 2.907 इसकी एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग। आई होप इसके अंदर SCI इंडेक्स एंड स्कोपस इंडेक्स में इंडेक्सिंग है इसकी, तो दैट इज़ आल्सो द वेरी गुड जर्नल एंड पब्लिश्ड बाय द रिसर्च SCI स्कोपस और Elsevier, सो यू कैन सी EIA कॉम्पेंड है, दैट इज़ द वेरी गुड साइन। एंड दिस इज़ द SCI इंडेक्स दैट वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड द दिस इज़ आल्सो द स्कोपस। सो नेक्स्ट वन इज़ द जर्नल ऑफ कॉम्पिटिशनल साइंस, तो इसका जो फर्स्ट डिसीजन है आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 3 वीक्स के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा, आइदर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन या माइनर चेंजेस। तो कंप्यूटेशनल साइंस इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपका टाइटल, अगर आपकी रिसर्च एरिया अगर आपका फील्ड इतना यही है, तो दैट इज़ द बेस्ट जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत कम टाइम में आपका पेपर यहाँ पब्लिश हो जाएगा और बहुत अच्छी रेपुटेड जगह पर Elsevier इज़ द
वेरी गुड पब्लिशर. सो SCI इंडेक्स जर्नल भी और स्कोपस इंडेक्स जर्नल, सो डोंट वरी फॉर दैट. नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर लॉ एंड सिक्योरिटी. इसका जो फर्स्ट डिसीजन है विद इन 1.5 वीक, मीन्स विद इन ए वीक के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा. आपका एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन है, माइनर चेंजेज हैं, तो जितने भी लॉ से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, और अगर आपका इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आपका रिसर्च एरिया है, तो आप इसके अंदर फास्ट पब्लिकेशन जर्नल है, और बहुत इजीली आपका इसमें, बहुत फास्टली आप इसमें मैन्युस्क्रिप्ट अपने पब्लिश कर सकते हैं. इसका एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग भी बहुत अच्छा, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.552 है. तो दैट इज द आल्सो द गुड साइन टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर इन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉग्निटिव सिस्टम एंड रिसर्च. दोज रिसर्चर्स कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर टाइटल. उनकी जो रिसर्च है वो उस पर्टिकुलर जोन में अगर आती है, फिट कर हो, सूटेबल हो, वो इसमें अपना पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं. वो बहुत फास्ट जर्नल है वो, और विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन आपका इसमें और एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वो डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करते हैं. बट इसमें इसका जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करना है. एज पर द इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं SCI इंडेक्स और स्कोपस इंडेक्स जर्नल है. सो डोंट वरी फॉर दैट वेदर इट इज स्कोपस इंडेक्स और SCI इंडेक्स. सो इट इज़ द बोथ टाइप्स ऑफ द इंडेक्स, स्कोपस एंड SCI इंडेक्स. सो दैट इज द आल्सो द गुड साइन टू पब्लिश देअर रिसर्च पेपर. नेक्स्ट वन इज द बिग डेटा रिसर्च. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दोज हु आर कम्स पर्टिकुलर इन दिस टाइटल एरिया लाइक द डेटा बेस, DBMS, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे रिसर्च इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं. तो आप यहाँ से एम एंड इसको अपना देख सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं गाइडलाइन. और इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर 2.91, दैट इज द वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर. एंड साइट स्कोर इवन 7.5, दैट इज द ह्यूज साइट स्कोर. नाउ वी कैन चेक एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग. सो दिस इज द SCI इंडेक्स जर्नल, SCIE इंडेक्स जर्नल एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल. दैट इज द वेरी गुड जर्नल पब्लिश्ड बाय द एल्सेवियर. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस टाइप्स ऑफ द पब्लिशिंग जर्नल्स, पब्लिशिंग एंड फास्ट पब्लिशिंग जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन इज द MDPI जर्नल. दिस इज द स्पेशली डेडिकेटेड टू द सोशल साइंस रिसर्चर और स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द ओपन एक्सेस जर्नल. तो ये भी बहुत फास्ट जर्नल है. विद इन ए मंथ आपका ये पेपर इसमें बहुत कम ड्यूरेशन में पब्लिश करते हैं. इसका जो साइट स्कोर है 2018 का स्कोपस का इंडेक्स है 0.89. तो बहुत फास्टली इसमें रिसर्च पेपर आप अपना पब्लिश कर सकते हैं. और आप यहाँ देख सकते हैं ओपन एक्सेस है, तो यू कैन सी दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड रिमेनिंग डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एम एंड स्कोप क्या है इसके. तो इसके करने अंदर अगर आपका रिसर्च एरिया फिट होता है, तो आप अपना रिसर्च पेपर इसमें भी पब्लिश कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट एरिया यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, तो जितने भी आर्ट आर्ट से रिलेटेड, एस्ट्रो एंड क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जितने भी आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स एरिया से जितने भी रिसर्चर हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा जर्नल्स हैं. और काफ़ी आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आई गो फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर. अगर आपने हमारे अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके रिसर्च पेपर पब्लिकेशन से, UGC अप्रूव्ड जर्नल से रिलेटेड, कौन कौन से वो जर्नल है जो स्कोपस इंडेक्स ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिए हैं अप्रैल 2020 से. तो बहुत सारे ऐसे हमारे रिसर्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो यू कैन सी एंड यू कैन अवेयर कि कौन कौन से वो जर्नल है जो अभी मार्केट स्टैंड से हट चुके हैं, स्कोपस इंडेक्स से हट चुके हैं, UGC के एलिट से हट चुके हैं. तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो देखना ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलती बाय मिस्टेक कर लें. तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलती करें, तो आप वो वीडियो बहुत केयरफुली वॉच करें, जिससे आप अपना रिसर्च पेपर बिल्कुल सही जगह पब्लिश कर सकें. अगर आपको ये चैनल थोड़ी यूजफुल लगी हो, आपको पसंद आया हो वीडियो, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी मदद हो जाए. अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, तो वो गलती ना करें, क्योंकि मिस्टेक करने के बाद आपके 6 मंथ एटलीस्ट खत्म हो जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हर एक रिसर्चर्स के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए. सो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्टिकुलर ऑल द फर्स्ट पब्लिकेशन जर्नल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, डू लाइक एंड शेयर द चैनल.